फिजिक्स का अगला पार्ट, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक कह सकते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स आएंगे। ओवरऑल इसे काइनेमेटिक्स क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग समझेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स में जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो काइनेमेटिक्स इसको क्यों कहते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। और ये मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स मतलब होता है यांत्रिकी, हिंदी इसका यांत्रिकी होता है। यांत्रिकी मतलब यंत्र से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड। जब भी हम लोग मैकेनिक्स या मैकेनिकल वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मशीन टाइप की चीजें ना, तो यही होता ही है। मैकेनिक्स मशीन वाली चीजें, मूवमेंट हुआ, फोर्स लगा, उस चीजों में ये बदली गई वो बदल गई टाइप की चीजें पढ़ते हैं हम लोग, तो वही होता है कि मैकेनिक्स। देखो ये मैकने एक वर्ड है ग्रीक जिसका मतलब ही होता है मशीन और टूल्स, इससे ये डिराइव हुआ है। सुनाई तो दे रहा है ना सबको, क्लियर? बस सुनना है, कहानी है थोड़ी सी कि मशीन मैकेनिक जो है वो ग्रीक वर्ड मैकने है जिससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मशीन और टूल्स। या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, मोशन एंड इट्स काउज। अब देखो मशीन किस बेसिस पे काम करता है, किसी भी कोई भी मशीन होगा तो वो किस बेसिस पे काम करेगा, उसमें कहीं भी ना कहीं किसी न किसी तरह का फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लगाता होगा जिस वजह से मशीन मूव करती है और मूवमेंट की वजह से काम होता है। तुम देख लो ऐसा कोई मशीन जो चुपचाप बैठा है और काम कर रहा है बिना मोशन में, उसके कोई पार्ट्स मूव नहीं कर रहे, हमें नहीं लगता है। बोलोगे सर इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके अंदर डायनेमो देख लो, आर्मेचर कॉइल घूम रहा होता है, या कोई भी मशीन गियर वगैरह देख लो, कोई भी मशीन का मतलब ये होता है मोशन, ऐसे समझ लो। वो मूव करेगा तभी काम करेगा। तुम दिखा दो कोई एक ऐसा मशीन जिसमें मूवमेंट नहीं होती। मोबाइल फोन मशीन है, मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट होती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है। छोड़ो फालतू बात, आई बात समझ में। एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, दो मेन पॉइंट है जिसके बारे में बात करने वाले इस टॉपिक पर हम, एक तो मोशन और दूसरा इसके काउज। और वो मोशन को अलग पढ़ सकते हैं, मोशन के काउज को अलग पढ़ सकते हैं, मोशन को विद काउज भी पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे भी मोशन को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन के काउज को देखेंगे विद मोशन, तो अलग अलग पार्ट्स में हमने इसे बांट रखे हैं। फिलहाल ये देखिए कि हमारे पास ना जो मैकेनिक्स है वो दो तरह के अवेलेबल है। एक मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता था जिसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वो पुराने जमाने की बात हो गई, पुराने टाइम की बात होगी, पुराना वाला मैकेनिक्स हो गया एक तरह से। पुराने वाले मैकेनिक्स में आप इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें कंसेप्ट है, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी चीज में न्यूटन का था। अब वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं न्यूटन के कंसेप्ट का, न्यूटन का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम था पुराने वाले टाइप में, मतलब पुराने वाले मैकेनिक्स में, इसीलिए इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। आई बात समझ में। इसमें हम लोग पढ़ते किसको है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, कोई पत्थर है, कोई आदमी है, कोई ट्रक है, नहीं कोई कार है, ये सब सारी चीजें चलेगी। तो कार मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, पत्थर मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट जिसको तुम लोग ऐसे देख सकते हो, फील कर सकते हो उसके मोशन के बारे में। अब और उसके मोशन के कैसे, ऐसा नहीं कि उसको लार्ज स्पीड से चला देनी है, लाइट की स्पीड से मूव करवा देनी है ना, उसे भी लाइट की स्पीड से मूव करवाने के बाद क्या होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। हम लोग इसको पढ़ने वाले होते हैं कि सिंपल सी चीज है कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का मैक्रोस्कोपिक, मतलब तुम देख सको, छू सको, नहीं छू सको कम से कम देख तो जरूर सको, छोटा पार्टिकल जैसे डस्ट हुआ, डस्ट भी मैक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा, वो छोटा नहीं होगा। डस्ट, डस्ट मतलब बाट में, सॉरी सेंड का वो जो एक कण होता है बालू का कण दिख जाता है, या गेंद मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक केजी का ऑब्जेक्ट मान लो, पत्थर, जहाज है ना, पानी में चलने वाला, आसमान में उड़ने वाला, ट्रक, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब सारी चीजें मैक्रोस्कोपिक कहलाएंगी। मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा, उसके मोशन, और मोशन कैसा होगा, वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल में ऐसा नहीं कि एकदम रकम रकम वाला चलेगा, लेकिन लाइट की स्पीड से बहुत कम, एज वेरी स्मॉल का मतलब यहाँ पर हुआ कंपेयर करेंगे किसके, लाइट की स्पीड के साथ, और लाइट की स्पीड से बहुत कम थोड़ा होना चाहिए। अब जो बोलोगे सर बहुत स्मॉल, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर घंटा भी हो सकता है,
5000 किलोमीटर पर घंटा भी हो सकता है। ये भी लाइट की स्पीड में तो बहुत कम ही हुआ ना, 5000 किलोमीटर पर घंटा नहीं हुआ लाइट की स्पीड में। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्मॉल स्पीड है कि लार्ज स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू लाइट की स्पीड में? लार्ज हो गया, लाइट से बोलते हैं हम यहाँ पे। ये देखो स्मॉल मतलब हुआ एज कम्पेयर टू लाइट, समझ लेना, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत कम स्पीड नहीं होती है। अगर तुम अपने लिए सोचो तो खुद के लिए, इसको स्केल वेलोसिटी कहते हैं। अगर इस स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो आपके स्पेस से बाहर हो जाएगा, एक सेकंड में 11 किलोमीटर के आसपास चलेगी। काफी कम स्पीड नहीं हुई, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लाइट कम हुई ना। तो यहाँ पे जो स्पीड कम की बात की जा रही है, कम मतलब हुआ कि लाइट की स्पीड की रिस्पेक्ट में कम, बहुत कम लाइट की स्पीड की रिस्पेक्ट में बहुत कम। अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा कहानी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ये। तो ये चीजें होगी तुम्हारी क्वांटम, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक छोटे छोटे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे पार्टिकल का भी कंसेप्ट बताएंगे, पार्टिकल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, क्या टर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जिसे तुम देख सको, एटम को नहीं दौड़ाना है, मतलब एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या है, दिखने वाली चीजें हैं, मैक्रोस्कोपिक चीजें होती है, मैक्रोस्कोपिक बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। इसके मोशन के बारे में हम लोग इस फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में क्लासिकल मैकेनिक्स है, मोशन, लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा है क्लास 12th में आपका, जिसको मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एटम, न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ना नहीं है, समझ पाए क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है नहीं, तो बस एक लाइन और लिख लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, एक लाइन, और फिर हम लोग आज की विदाई करेंगे, टॉपिक खत्म करेंगे। ऐसे हेडिंग आप लिख लीजिए, क्लासिकल लिख लिया था ना, उसी तरह से क्वांटम लिख लो, तो क्वांटम मैकेनिक्स, फिर हम लोग कल काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी, थोड़ी सी थ्योरी जरूरी है, क्योंकि आपका कंसेप्ट तो होगा ही बढ़िया, हम चाहते हैं कि थ्योरी भी आपको कंप्लीट मिले। देखो ये सब कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आज नहीं जानोगे, जिसके बाद तुम्हें कौन बताएगा, बताओ। और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें पता है, लेकिन ध्यान रखना है, इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए, द मैकेनिक्स इन विच, उसी में बस थोड़ा सा चेंज कर दो ना, इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे छोटा छोटा बात उपचल क्या लिख दिए, लाइक कौन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा बोसोन, मोसोन टाइप आता है ना, ऑल ओवर टाइप बोसोन, हाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मूविंग विथ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत रकम, मूविंग विद हाई वेलोसिटी इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सब सुना होगा ना आपको, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़ा जाता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है आपको क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें हम लोग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जैसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके जब वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चलेगी, जब वो रकम से चलेगी तो कुछ नहीं होने वाला है, वो चलता ही नहीं है, काफी ज्यादा हाई स्पीड से ये चलती है, तो उसके मोशन के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। आई बात समझ में, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए धन्यवाद।